तो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम तक। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से बड़ी अपडेट है अतिथि शिक्षकों के लिए। 5 जून 2024 को आदेश जारी हुआ है। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त संकुल प्राचार्य हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश, शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के लिए नवीन आवेदकों पंजीयन, पूर्व पंजीकृत आवेदकों की जानकारी के अध्ययन में, उपरोक्त विसंगत शैक्षणिक सत्र 24-25 हेतु शासकीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है। उक्त परिप्रेक्ष्य में नवीन आवेदक जो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक हैं, ऐसे आवेदक GFMS पोर्टल पर नवीन पंजीयन, पूर्व से पंजीकृत आवेदक, निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। नवीन आवेदकों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण हेतु जानकारी की जाने वाली, नवीन आवेदकन आवेदन हेतु GFMS पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। आधार EKYC करें। शैक्षिक में व्यवसाय योग्यता की जानकारी दर्ज कर परीक्षण कर अपडेट करें। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या उसके उपरांत की जानकारी दर्ज कर अपडेट करें। पंजीकरण में दर्ज समस्त योग्यताओं की मूल अंक सूची लेकर संकुल प्राचार्य से आवेदन को ऑनलाइन सत्यापन कराएं। संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन उपरांत स्कोर कार्ड जनरेट होगा। पूर्व से पंजीकृत आवेदक द्वारा पोर्टल पर जानकारी अध्ययन हेतु की जाने वाली कार्रवाई, पूर्व से पंजीकृत आवेदकों को पुनः पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। नवीन शैक्षणिक सत्र व्यावसायिक योग्यता दर्ज करने हेतु प्रोफाइल अनलॉक करने, नवीन शैक्षणिक सत्र योग्यता की जानकारी अपडेशन संशोधन करें। आवेदक की योग्यताओं में अपडेशन संशोधन करने के उपरांत संकुल प्राचार्य से ऑनलाइन सत्यापन कार्य करवाएं। संकुल प्राचार्य द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, आवेदकों द्वारा आवेदन में समस्त योग्यताओं का मूल दस्तावेजों से मिलान कर जानकारी सत्य पाए जाने पर पोर्टल में ऑनलाइन सत्यापन कार्य करें। आवेदक सत्यापन उपरांत आवेदक को प्रिंट निकाल कर दिया जाए। आवेदक में दर्ज किए गए दस्तावेजों की छायाप्रति अभिलेख संधारित करें। नवीन पंजीयन हेतु स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करें, जिससे अधिक से अधिक संख्या में आवेदन का पंजीकरण हो। पंजीयन का मैनुअल पत्र के साथ संलग्न है। उपरोक्त कार्रवाई 15 जून 2024 तक कराने सुनिश्चित करें। DS कुशवाहा, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश। ये जानकारी है अतिथि शिक्षकों के लिए, बहुत बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं, सभी लोगों तक जानकारी भेज दीजिए। ऐसी जानकारी के साथ चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।